जय श्री राम, जय जय श्री राम, भगवान श्री राम की जय हो। प्यारे दोस्तों और पूर्ण आत्माओं और राम भक्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आने वाली 5 अगस्त को 2020 राम मंदिर, भगवान श्री राम का उसका उद्घाटन होना है। उसी के संदर्भ में हम एक विराग छोटा सा बनाते हैं और आपसे गुजारिश करते हैं कि उस दिन 5 दिए जरूर जला देना, भगवान राम की याद में आपको पुण्य मिलेगा। जय श्री राम। 5 अगस्त बस 5 नहीं, ये पंचमृत कहलाएगा। 5 अगस्त बस 5 नहीं, ये पंचामृत कहलाएगा। एक रामायण फिर से अब राम मंदिर का लिखा जाएगा, क्योंकि दोबारा देखो 500 साल बाद एक नई रामायण लिखी जाएगी। एक रामायण फिर से अब राम मंदिर का लिखा जाएगा, लिखा जाएगा। जितना समझ रहे हो उतना भूमि पूजन आसान न था, भूमि पूजन आसान न था। इसके खातिर जाने कितने माताओं का दीप बुझा था, माताओं का दीप बुझा था। गुंबज पर चढ़ कर कुठारी बंधुओं ने गोली खाई थी, बंधुओं ने गोली खाई थी। नाम सैकड़ों गुमनाम है, नाम सैकड़ों गुमनाम है, जिन्होंने जान गवाई थी। इस 5 अगस्त के खातिर 500 वर्षों तक संघर्ष चला, 500 वर्ष तक संघर्ष चला। कई पीढ़ियां खपी तो खपी, आगे भी जीवन उत्सर्ग किया, आगे भी जीवन उत्सर्ग किया। राम हमारे ही लिए नहीं बस, उतने ही राम तुम्हारे हैं। राम हमारे ही लिए नहीं बस, उतने ही राम तुम्हारे हैं। जो राम ना समझ सके वो सचमुच किस्मत के मारे हैं, वो सचमुच किस्मत के मारे हैं। एक गुजारिश सबको बस, 5 दीपक जला देना, 5 अगस्त के भूमि पूजन में अपना प्रकाश पहुंचा देना। 5 अगस्त के भूमि पूजन में अपना प्रकाश पहुंचा देना, अपना प्रकाश पहुंचा देना। नहीं जरूरत आने की कुछ, इतनी ही हाजिरी काफी है। राम नाम का दीप जला तो कुछ चूक भी हो तो माफी है। विराग नहीं ये सीधे सीधे राम भक्तों को निमंत्रण है, असल सनातनी कहलाने का समझो विराग आमंत्रण है, समझो विराग आमंत्रण है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, भगवान श्री राम।